हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज अगेन मैं आप लोग के सामने चंद पंक्तियाँ लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है आखिर क्यों। ये जो मैंने पंक्तियाँ लिखी हैं ये हर उन महिला, हर उस लड़की को डेडिकेटेड है जो कहीं ना कहीं अपने घर में, समाज में डाउरी सिस्टम को लेके, जिसे कि हम दहेज प्रथा बोलते हैं, उसे लेके प्रताड़ित होती रहती हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग को मेरे द्वारा ये लिखी पंक्तियाँ पसंद आएंगी और आप हर उस लड़की के दर्द को महसूस कर सकेंगे जो भी इस चीज़ से गुजरती हैं। तो अगर आपको ये कविता पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं। आखिर क्यों, आखिर क्यों हमें मार दिया जाता है? आखिर क्यों हमें मार दिया जाता है? सिर्फ दहेज के खातिर हमें सुला दिया जाता है। डर लग जाता है माँ जब बात बात पर मुझे सुनाया जाता है, छोटी छोटी बातों पर मुझे धमकाया जाता है। जीते जी मेरी इच्छाओं का गला दबा दिया जाता है, माँ मेरी सारी उम्मीदों में पानी फिर जाता है जब शादी के बाद दहेज के लिए इनका मुंह खुला नजर आता है। जब दहेज के लिए, ध्यान से सुनिएगा, जब दहेज के लिए मौत का भविष्य तय कर दिया जाता है, जब दहेज के लिए मौत का भविष्य तय कर दिया जाता है, तो क्यों माँ, तो क्यों माँ ईश्वर द्वारा लड़की को तेरे गर्भ में भेज दिया जाता है? इससे अच्छा तो भ्रूण हत्या है माँ, इससे अच्छा तो भ्रूण हत्या है माँ, जो तेरे गर्भ की चादर में ही मुझे मार दिया जाता है। कम से कम झूठा सपना तो नहीं दिखाया जाता है माँ। तेरे द्वारा आज भी मुझे सिर्फ यही सिखाया जाता है माँ, तेरे द्वारा आज भी मुझे सिर्फ यही सिखाया जाता है कि शादी के बाद लड़की का असली घर ससुराल हो जाता है, कि शादी के बाद लड़की का असली घर ससुराल हो जाता है। तेरे दिए गए संस्कारों का माँ, तेरे दिए गए संस्कारों का माँ कभी उल्लंघन नहीं किया जाता है। घर की इज्जत के लिए सारा दुख दर्द सहा जाता है, हर किसी की इच्छाओं का वहाँ पूरा ध्यान रखा जाता है। तेरे बताए रास्तों पर हमेशा चला जाता है, तेरे बताए रास्तों पर हमेशा चला जाता है। तू ही तो कहती है ना माँ कि शादी के बाद असली माँ बाप सास ससुर व पति परमेश्वर हो जाता है, तब भी माँ मुझे पंखे पे लटका दिया जाता है। अधमरी तो मैं तभी हो जाती हूँ माँ जब फंदा मेरी तरफ आता है, आंखों के आगे काला अंधेरा छा जाता है, गले लग के तेरे बहुत रोने को जी जाता है, मरते मरते माँ मुझे सिर्फ तेरा चेहरा नजर आता है, पर तब तक समय निकल जाता है दहेज के राक्षसों द्वारा माँ मेरा गला दबा दिया जाता है, बेकसूर होते हुए भी माँ मुझे मौत के घाट उतार दिया जाता है। सुरक्षा के नाम पर आज भी हमें पागल बनाया जाता है, पैसे देकर इन राक्षसों को छुड़वा दिया जाता है, इंसाफ के नाम पर माँ बाप को घुमाया जाता है, सिर्फ कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवाया जाता है। विनती है ये मेरी सरकार से, अब ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, विनती है ये मेरी सरकार से, जब पैसा ना होने के कारण ही लड़की को मार दिया जाता है तो क्यों केस लड़ते वक्त लड़की के घर वालों से पैसा लिया जाता है, क्यों उनको इतना इंसाफ के लिए तड़पाया जाता है? बाद में केस को रद्द कर दिया जाता है और फिर से पुनः यही सवाल खड़ा उठता है आखिर क्यों हमें मार दिया जाता है। धन्यवाद।